नमस्कार दोस्तों, नाम अक्षय लिंगवाल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स, वो भी हिंदी में, जिसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदलने वाली है। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, या आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जितने भी टॉप अर्नर हैं, उन सब में आपको एक चीज़ ज़रूर कॉमन मिलेगी, वो है बुक्स रीडिंग करने की हैबिट। और क्या आप जानते हैं, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक को लिखने वाले ऑथर अपने जीवन के 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस कुछ पन्नों में बयां कर देते हैं, जिसको पढ़ने से आपको मिलती है नॉलेज। और जब आपके पास होती है नॉलेज तो आप आसानी से वो हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप हासिल करने की सोच रहे हैं। अगर आप एक अच्छे रीडर और लर्नर हैं तो हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की स्टडी से पता लगा है, जो लोग बुक्स रीडिंग की हैबिट रखते हैं वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है कि उनके पास आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वो पहचान के उसका फ़ायदा उठाते हैं। बुक्स पढ़ने के फ़ायदे तो आप सभी जानते ही होंगे, तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। नंबर वन लिस्ट में मैंने रखा है सवाल ही जवाब है, जिसको लिखा है एलन पीज ने। अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में, तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस बुक में ऑथर ने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आने वाली छोटी छोटी बातों को विस्तार में समझाया है। ऑथर के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है और इस कला को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है जो इसका हर दिन अभ्यास करे। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको कई ऐसी टेक्निक्स जानने को मिलेगी कि किस तरह हमें हाथ मिलाना चाहिए या फिर किस तरह हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए, और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि वो हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं। यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है। नंबर टू लिस्ट में मैंने रखा है बिजनेस स्कूल, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने कहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग सभी को करना क्यों ज़रूरी है, और ये भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोगों में क्या डिफरेंस होता है। अमीर लोग ऐसा क्या काम करते हैं कि जिससे वो हर दिन अमीर बनते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं दुनिया में अमीर लोग अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग सिर्फ काम की तलाश में रहते हैं। अगर हमें सच में रिच बनना है तो हमें नेटवर्क की पावर को पहचानना होगा। यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है। नंबर थ्री लिस्ट में जिस बुक को रखा है वो है नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, जिसको लिखा है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने। इस बुक में ऑथर बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितना सच है और कितना गलत है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या आने की सोच रहे हैं, पर कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑथर ने इस बुक में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का निचोड़ बताया है। यदि आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है। नंबर फोर लिस्ट में आती है सोचिए और अमीर बनिए, जिसको महान लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया है। वैसे तो ये बुक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं या एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी सोच को कैसे विकसित करना चाहिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। यदि आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है। नंबर फाइव लिस्ट में आती है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। वो अपनी बुक में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। अगर जीवन में बड़ी सफलता और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन का उपयोग करना होगा। अगर आप अवचेतन मन की शक्ति को हासिल करते हैं तो आप वो हर कार्य कर सकते हैं जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं। यदि आप वाकई में अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस बुक में इन सभी चीज़ों को आसान तरीके से बताया गया है। यदि आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वेस्टी से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ने के लिए विजिट करते रहें www.akshaylingwal.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल।